लगभग एक सप्ताह से रेगुलर ये प्रॉब्लम मुझे परेशान किया हुआ था भाई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। मैं फिर से थर्ड नंबर गियर में लाता हूँ। देखो देखो, आपने देखा होगा भाई कैसे की? देखो देखो रे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ दिनों से मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी जो कि मैं सोच रहा था कि आपसे करूंगा, और आज है संडे और आज इत्तेफाक से मुझे छुट्टी मिल गई है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज ही आपसे इस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वो बात करने से पहले मुझे ना आपको एक चीज बताना है कि मुझे लगता था कि आप लोग बस वीडियो देखते हो लेकिन मुझसे कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि भाई अपने मीटर के बारे में बताओ, मीटर जो खराब हुआ था वो मीटर तुम बनवाए या नहीं बनवाए, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ मीटर का एक कहानी कि कल यानी कि सैटरडे को मैं गया था मीटर वाले भैया के पास जहाँ पे मीटर का रिपेयरिंग होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आज तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम थे पहले से। तो उन्होंने बोला कि संडे को क्लोज रहता है, तुम मंडे को आ जाओ। तो शायद कल मैं एक लीव लूँगा, छुट्टी लूँगा, तो हम लोग हो सकता है चलेंगे मीटर वाले भैया के पास और कल मीटर का काम करवाएंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि कैसा अभी मीटर का कंडीशन है। तो आप लोग यहाँ पे मीटर का कंडीशन देख सकते हो भाई, लगभग सब चीज़ ठीक है, बस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पिछली नहीं, मतलब कुछ दिनों पहले जो आई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो वो वीडियो। और वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप लेना चाहते हो, अगर आप बिहार से हो या फिर मुजफ्फरपुर से हो, अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो भाई लोग, कुछ दिनों पहले से, लगभग एक सप्ताह हो चुका है, एक सप्ताह से मुझे बाइक में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। चलाने के वक्त ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है जैसे ही आप दूसरे या तीसरे गियर में हो और जैसे ही आप 50 या 60 से स्पीड ऊपर जाते हो, उस वक्त क्या होता है कि हमारा बाइक लगता है कि भाई पावर छोड़ रहा है, यानी कि मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे तेल खत्म होता है, कैसे गाड़ी धुधुकाने लगता है, जस्ट लाइक सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैं 60-70 से ऊपर जाता हूँ, एक बाइक झटका सा लगता है और पावर छोड़ता है भाई। अभी मैं आपको गोप्रो पे ले जाके वो क्लियर आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्ट आता है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं छोटू के पास जहाँ पे मैं बाइक बनवाता हूँ लोकल शॉप पे। मुझे जहाँ तक शक हो रहा है कि वो स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम होगा, स्पार्क प्लग जो है उसमें कार्बन पकड़ लिया होगा, हो सकता है उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चलते हैं हम लोग सीधा गोप्रो पे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ गए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जी अपने चैनल का नाम बताइए। हालांकि मैं अपने बाइक पे कहीं पे भी चैनल का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखवाया अभी तक। तो क्या पूछ रहे थे तुम? चैनल का नाम पूछ रहा था। तो मैंने उनको बता दिया है कि आर राइडर चैनल का नाम है। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है, हाफ पैंट पहने हुआ लड़का, देखो मोबाइल तो है नहीं लेकिन इंटरेस्टेड है जानने में, तो आर राइडर चैनल का नाम है, घर जाके सर्च करना मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ कर देना और दोस्तों सबसे करवा देना। ठीक है, तुम्हारा वीडियो डाल देंगे। ठीक है ना, और कोई दिक्कत? खाओ माँ कसम। सो गाइस, अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बाइक को राइड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बाइक में। ठीक है भाई, ठीक है भाई लोग, बाय बाय। ये सब मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स जहाँ पे देखता है वीडियो बना रहे हैं, साला स्टैंड लगा हुआ है क्या, जहाँ पे देखता है वीडियो बना रहे हैं आ जाता है ये लोग, अच्छा लगता है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मुझे ये बताना है भाई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी 3 नंबर गियर में है, थर्ड गियर पे हूँ मैं और लगभग 25 का स्पीड है। मैं 2 नंबर पे ही आपको दिखा देता हूँ, अभी 2 नंबर पे है, 24 का स्पीड है। मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूँ बाइक को और देखना क्या होगा। भाई पता नहीं क्यों अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहले होता क्या था कि मैं 60-70 से ऊपर जाता था और बाइक जो है वो एकदम पावर छोड़ने लगता था भाई। अभी पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जब ये टॉप स्पीड जा रहा है, वो अपनी गियर का लिमिट ख़त्म हो रहा है, इसका लिमिटर आ रहा है, उसके बाद ऐसा कर रहा है। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हो रहा था। थोड़ा सा और राइड करते हैं बाइक को, उसके बाद देखते हैं कि वो प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। मैं बाइक को घुमा लेता हूँ, उस साइड चलते हैं, देख के सलाई बहुत चलता रोड हो गया इधर।
पहले उतना गाड़ी वाड़ी नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत चलता रोड हो गया। आप लोग पहले ये बात सुने होंगे कि डॉक्टर के पास जाते ही मरीज ठीक हो जाता है, आधा उसका बीमारी ठीक हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अभी ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा भाई। लगभग एक सप्ताह से रेगुलर ये प्रॉब्लम मुझे परेशान किया हुआ था भाई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैं बाइक को एकदम आराम आराम से चलाता था, थोड़ा सा भी स्पीड नहीं करता था। लेकिन अभी जब मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, अभी वो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। हाँ, लिमिटेड आ रहा है, तब उस वक्त ऐसा लग रहा है कि भाई पावर मिसिंग है। पहले मीडियम स्पीड में भी वैसा ही प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा और स्पीड करके देखते हैं। मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने में ना बहुत ही प्रॉब्लम है यार। हेलमेट का भार, हेलमेट जो है ना उसका भार नहीं ले पाता, आगे पूरा गिर जाता है, नीचे लटक जाता है। अभी वैसा ही प्रॉब्लम तो हुआ था, लेकिन वो लिमिटेड आने के बाद था या पहले आया था मुझे नहीं पता। मैं फिर से थर्ड नंबर गियर में लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो देखो, आपने देखा होगा भाई कैसे कि, देखो देखो, मैं फिर से आपको आगे दिखाता हूँ, सेम प्रॉब्लम। देखो देखो, आपने देखा, देखो देखो, यही प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ। देखो, स्पीड पकड़ लेता है, फिर स्पीड छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। देखो 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 कैसे कर रहा है भाई। अभी तो शायद लिमिटेड आ गया इसलिए वैसे कर रहा है। लिमिटेड के आधे पे भी मैं जाता हूँ, यानी कि अगर सेकेंड गियर करके, सेकेंड गियर के फुल स्पीड नहीं जाके उसके आधे स्पीड में भी मैं जाता हूँ, तो सेम यही मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। अभी मैं आपको एक आध बार और दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं छोटू के पास। जैसा कल और उससे पहले प्रॉब्लम आ रहा था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आज नहीं दिख रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, वीडियो तो शूट हो रही है। हम लोग निकलते हैं और चलते हैं सीधा बाइक रिपेयरिंग शॉप पे। डर थोड़ा सा इसका लगे रहता है कि अगर किसी का कॉल आ जाए तो फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम लोग एक दिन मोटो व्लॉगिंग सेटअप, मतलब प्रीमियम मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाएंगे, जिसमें हमारा एक एक्शन कैमरा रहेगा। एक एक्शन कैमरा मैं ज़रूर लूँगा लाइफ में कभी ना कभी, और वो दिन ज़्यादा दूर तो नहीं है शायद, बहुत ही जल्द लेंगे हम लोग। क्योंकि यार बहुत ही प्रॉब्लम होता है ऐसे मोटो व्लॉगिंग करने में, इसलिए मैं ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉगर हो चुके हैं भाई, जहाँ देखोगे हर तरफ आपको ब्लॉगर ही नज़र आएगा। और इन सब भीड़ में हम लोग छोटे ब्लॉगर हैं, गरीब आदमी मोबाइल से ही बनाते हैं, क्या करें। यहाँ पे ना जब मैं आ रहा था तो एक दो लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था और मुझसे पूछ रहा था कि भाई ब्लॉगर हो? नहीं नहीं भाई, राइडर हो? हम बोले नहीं भाई। कभी एग्जॉस्ट लगवाएंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे यहाँ पर आके। तो वो लोग पूछ रहे थे हमसे कि भाई राइडर हो क्या? तो हम बोले नहीं भाई, तुमको कहाँ से मैं राइडर लग रहा हूँ, मैं राइडर नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर पैसा वाला लोग खुद को बोले कि मैं पैसा वाला हूँ तो भाई वो पैसा वाला नहीं है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये अर्बन मोड में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये तीनों मोड में ही प्रॉब्लम आ रहा है, इससे मोड का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आगे चल के मैं इसको स्पोर्ट मोड में डाल के अभी डाल देता हूँ, और अब थोड़ा सा हम लोग खींच कर देखते हैं कि स्पोर्ट मोड में लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे कुत्ता से साला बहुत डर लगता है। फोर्थ गियर अभी छोड़ने, अभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है। 84-85 पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि फोर्थ गियर में मैं 100 प्लस ले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था पहले। लेकिन अभी 80 के आसपास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि बाइक थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है, यानी कि
प्रॉब्लम तो है भाई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बाइक में ये प्रॉब्लम तो भाई है, एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो लोग। जल्दी से चलते हैं और जाके मैं आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। और जब ये प्रॉब्लम आ रही है ना बाइक में, मैं उतना फ्री होकर बाइक को नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कॉर्नर पे थोड़ा सा लीन किए रहते हैं और उस वक्त ही ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है मिसिंग का, तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। लीन किए हुए हैं और पावर पूरा ख़त्म, उस वक्त क्या होगा आप लोग समझ सकते हो मेरा फीलिंग। और हाईवे पे तो खास करके अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देकर चलाना होगा। और बाई चांस आप थोड़ा सा ओवरटेक कर रहे हो, ओवरटेक करने के दौरान ये प्रॉब्लम अगर आ जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है भाई। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से ही बाइक ड्राइविंग करो आप लोग भी। बिना हेलमेट के मैं राइड नहीं करता हूँ भाई। मैंने बहुत सारी ऐसे घटनाएँ देखे हैं जहाँ पे बिना हेलमेट के बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लोगों के साथ, और मैं नहीं चाहता कि कभी, खुदा ना करे कि कभी हमारे साथ ऐसा हो। सो बी सेफ ऑन द एवरी राइड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। हम लोग हैं अभी पहाड़पुर में, यहाँ से सीधे जाना है हम लोग को। और जैसे ही पहाड़पुर पेटिया से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप लोग, वहीं पे है ये जनता कैरेज। तो रेहान मिल गया था अभी रास्ते में, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है उससे भी, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे। और अभी चलते हैं सीधा वहीं पे। बहुत ही ज़्यादा बकचोदी कर दी है हम लोग, तो डायरेक्ट वहीं जाके आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। अरे यार, हेलमेट में मक्खी कहाँ से घुस गया यार, इसको निकालने दो पहले। ये है पहाड़पुर पेटिया, जहाँ पे हर तरह की सब्जी फल वगैरह वगैरह मिल जाएंगे आपको। हम लोग अपने मुजफ्फरपुर बिहार में इसको पेटिया बोलते हैं, आप लोग अपने शहर में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो, इंडिया के किस किस कोने में से देखते हो, या फिर इस दुनिया के किस किस कोने में से देखते हो, मैं जानना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू नो, सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रो। पहुँच चुके हैं हम लोग और देखते हैं हमारा काम कैसे होता है। तो अभी हमारे छोटू भाई ने बाइक को चलाकर देखा है और ये बता रहे हैं कि भाई उतना प्रॉब्लम कुछ नहीं है बाइक में। हाँ, ये हो सकता है कि बाइक में जो टैंकी है इसका, उससे थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाता है। जब भी मैं बाइक को धुलवाता हूँ या फिर कभी बारिश होता है तो टैंकी के ऊपर से थोड़ा बहुत पानी साइड में जमा हो जाता है और निकालने के दौरान थोड़ा बहुत पानी अंदर जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि उस कारण से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये तो हम समझ गए हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पार्क प्लग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्पार्क प्लग को हम लोग खुलवा कर एक बार साफ़ करवा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार चला कर दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी अपनी जो भी सजेशन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी स्पार्क प्लग को खोल रहे हैं छोटू भाई, इसको निकाल कर फिर हम लोग ना पहले इसको देखेंगे कि इसमें कार्बन वगैरह जमा है या नहीं जमा है। हम तो सोचे थे कि इरिडियम स्पार्क प्लग एक आता है, लेकिन साला दाम बहुत है उसका, लगभग 800-850 उसका दाम है। और नॉर्मल अगर स्पार्क प्लग लोगे आप तो 150-200 रुपया बहुत हुआ इसके लिए। हम सोचे कि लेंगे इरिडियम वाला, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पैसा वैसा होगा तब लेंगे। अभी इतना ही पे काम चल जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये ख़राब होगा, ये चलने के कंडीशन में अगर नहीं हुआ तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, फिर ऑनलाइन से मंगवा लूँगा या फिर कहीं से भी इरिडियम वाला ले लूँगा भाई। सबसे पहले देख लेते हैं किस कंडीशन में है ये। तो गंदा वंदा होता है, इसको साफ उफ करना पड़ेगा क्या? पूरा साफ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शायद हम चेंज करवाए ही थे लास्ट टाइम जब सर्विस करवाए थे। तो कभी कभी लगता है कि गाड़ी में उतना स्पीड स्पीड नहीं है जितना रहना चाहिए, ऐसा क्या होगा? हाँ, साफ करवा लेंगे। हाँ, यही बात है, वो आदमी हमको बोला था एक बार। चेंज करवाना होगा या साफ करने के वक्त हो जाएगा? चेंज करने के लिए तो फिर बहुत पैसा लगता है उसमें, एक बार बोला 4000 के आसपास बोला था हमको। हाँ हाँ, वही फिल पम्प का, उसका फिल्टर पैकेट टाइप का रहता है, इस टाइप पैकेट टाइप का हम देखे थे, 100-150 में। यहाँ पे होगा क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल पम्प का फिल्टर। अच्छा, तो इनका कहना है कि स्पार्क प्लग ठीक है पूरा, और मुझे भी ठीक ही लगा, कोई मतलब कार्बन वार्बन नहीं है, एकदम क्लीन है, पूरा वाइट है। और जब मैं एजेंसी में इसको लास्ट टाइम सर्विस करवाया था, उस वक्त मैंने स्पार्क प्लग को चेंज करवाया था, तो ये तो लगभग नया ही है।
तो प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, बस वो टैंकी की वजह से। टैंकी में नीचे जो पाइप निकला हुआ रहता है, जो मैं पाइप आपको दिखा ही देता हूँ एक बार कहाँ गया पाइप, ये आप लोग जो पाइप देख रहे हो ये पीला, तो ये लगभग सभी गाड़ियों में रहता है जो कि टैंकी के ऊपर से लेके नीचे तक निकला हुआ होता है। उसके कारण से होता क्या है कि अगर बाई चांस बारिश में या कभी आप बाइक को वॉश करवाते हो तो इसके साइड में अगर पानी भर गया ना, तो वहाँ से वो पानी पाइप के ज़रिए निकल जाएगा। लेकिन मेरे बाइक में पता नहीं क्या कंडीशन है, मेरे बाइक में साइड में जो होल रहता है सभी गाड़ियों में, मेरे में है ही नहीं भाई, कोई होल ही नहीं है। जिस कारण से होता क्या है कि साइड में पानी पूरा जम जाता है, और जब भी हम उसको निकालने की ट्राई करते हैं या कपड़ा सब भिगा कर निकालने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत पानी अंदर जाता है और कभी कभी तो निकालते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में होता क्या होगा कि पानी जो वहाँ पर साइड में रहता है वो टैंकी के ज़रिए अंदर में जाता होगा, और जिस कारण से ये प्रॉब्लम मुझे आज फेस करना पड़ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पानी से ज़्यादा भिगाना नहीं होगा बाइक को। और भाई ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोला है कि इसका जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप का एक फ़िल्टर होता है, अगर वो फ़िल्टर को हम लोग चेंज करवा लेंगे तो जो थोड़ा सा हमको लगता है ना कभी कभी कि स्पीड कम है, स्पीड का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और वहाँ पे छोटू ने इसको देखा है खोल के स्पार्क प्लग को, स्पार्क प्लग बोला है कि स्पार्क प्लग ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी ये पावर का प्रॉब्लम आ रहा है वो एक तो आ रहा है कि ये टैंक के ऊपर से जो पानी थोड़ा बहुत जाता है, पेट्रोल में थोड़ा सा पानी हो सकता है कि गया होगा, उसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो फ्यूल पंप होता है उसमें एक फ़िल्टर होता है, फ्यूल पंप फिल्टर, वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है या जाम हो जाता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आता है, और स्पीड का भी प्रॉब्लम उससे आता है भाई। जो भी इसका फ्यूल है, पेट्रोल है, पेट्रोल अच्छे से इंजन में नहीं जा पाता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हम लोग इसको भी कुछ करवाएंगे, इसमें काम करवाएंगे। इसका जो फ्यूल पंप का फ़िल्टर है वो हम लोग चेंज करवाएंगे, और इससे पहले भी मुझे एक आदमी बोला था कि उसको चेंज करवाने के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा बाइक का। तो कुछ दिनों बाद हम लोग डेफिनेटली उसको करवाएंगे काम, और अभी चलते हैं बाइक को वॉश करवा लेते हैं। वहाँ पर मैं नहीं करवाया वॉश जहाँ पर मैं अभी गया था बनवाने, क्योंकि इससे पहले करवा था अच्छा सा वॉश नहीं किया था, इसीलिए वहाँ पर हम लोग नहीं करवाएँ। लेकिन आगे जाते हैं, आगे हम लोग बाइक को वॉश करवा लेंगे, और फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा अब खींच कर देखते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग निकला है और उसके बाद फिर से टाइट हुआ है, और सिर्फ टाइट होने से तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है, अगर थोड़ा क्लीन करते तो हो सकता था, लेकिन क्लीन करने का ज़रूरत नहीं था ना। स्पार्क प्लग जो था वो एकदम क्लीन था, साफ़ था, क्लीन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, जिस कारण से वो क्लीन भी नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग खींच कर देखते हैं, और उसने एक बात बताया है कि अभी तो वैसे ही तेल नहीं है, अरे साला ये खूटी था वो भी अब नहीं रहा, तो तेल अभी जीरो खूटी है, इसके बाद जाके हम लोग थोड़ा सा फ्यूल डलवाएंगे बाइक में, और फ्यूल डलवाने के बाद जो वाटर होगा, जो पानी अंदर थोड़ा बहुत गया होगा, उसको ये मैनेज कर देगा, उसके बाद हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा खींचते हैं, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा सा हल्का सा लगा एंडिंग में, एक बार और खींचते हैं, देखो आ रहा है भाई, अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक तो हम लोग बाइक में फ्यूल डलवा लेते हैं, और दूसरा ये है कि इसका जो फिल्टर है फ्यूल इंजेक्शन वाला, उसको हम लोग चेंज करवाएंगे। गाइस अभी मैं बाइक वॉश करवा के जैसे ही लाया था अपने पेट्रोल पंप पे, मैंने पेट्रोल डलवाया है, और डलवाने के दौरान फिर से मुझे वही चीज़ दिखा जो कि मैं आपको अभी खोल कर दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैं चाबी ऑन करके खोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, साइड में पूरा पानी भरा हुआ है यार। अभी मैंने थोड़ा सा निकालने का ट्राई भी किया था, और निकालने के दौरान थोड़ा सा पानी अंदर भी थोड़ा बहुत चला ही जा रहा है, जब भी मैं इसको निकाल रहा हूँ तो थोड़ा सा कपड़ा इसको डुबो कर थोड़ा मैं निकालने का ट्राई करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पानी अंदर ही चला जा रहा है भाई। आप लोग देख सकते हो ये पूरा भर गया भाई, साइड में पूरा भर जा रहा है पानी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और इसमें जो साइड में एक छेद होता है जिससे एक्स्ट्रा पानी पाइप के ज़रिए निकल जाए, लेकिन वो भी छेद इसमें है ही नहीं, वो छेद इसमें है ही नहीं, पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं दिया। बाकी नॉर्मल फोर बी में आता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है भाई, इसका कोई सोल्यूशन मैं लाऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंडिंग में मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये बाइक लेना है, देखो बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तो हर बाइक में आता है, और जैसा कि ये इस बाइक को 2.5 साल हो चुके हैं, तो 2.5 साल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आना किसी भी बाइक में आ सकता है।
तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा सा व्लॉग टाइप का वीडियो था, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा है, वहाँ पे जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपको ये बाइक लेना है तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स सब चीज़ आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, मीटर का काम करवाते हैं या फिर फ्यूल इंजेक्शन चेंज करवाते हैं, फ्यूल इंजेक्शन का जो भी फिल्टर था, तो क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, राइड सेफ एंड राइड हार्ड। टाटा, बाय बाय।